वेलकम बैक पीपल्स, स्वागत है आपका hindustanmirror.com पर। देरी न करते हुए चलते हैं आज के अगले टॉपिक की तरफ। दरअसल फिल्मों के सबसे प्रतिष्ठित कहे जाने वाले ऑस्कर अवार्ड ने महिला और काले फिल्म निर्देशकों व कलाकारों को अच्छे काम करने के बावजूद नामांकन नहीं देने के लिए आलोचकों के रडार पर ला दिया है। सोमवार को सामने आया कि निर्देशन के वर्ग में सभी पुरुष फिल्मकार ही नामांकित किए गए हैं। इसे श्वेत ऑस्कर नाम से भी विवादास्पद करार दिया गया है। इसी प्रकार के विवाद 2017 में भी उपजे थे, जब ग्रेटा गॉर्विक को स्क्रीन प्ले अडॉप्शन वर्ग में नामांकित किया गया लेकिन श्रेष्ठ निर्देशक वर्ग में जगह नहीं दी गई थी। इसे लेकर कई फिल्मकारों ने आश्चर्य जताया और कहा कि ये सरासर भेदभावपूर्ण है। वहीं ओलिविया वाइल्ड बुकस्मार्ट, लुलु वोंग को द फेयरवेल, जोआना हॉक द सुवनीर, लॉरेंस सफारिया को हर्शल्स, मैरियल हेलर को अ ब्यूटीफुल डे इन द नेबरहुड और सलीन सियामा को पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी ऑन फायर जैसी फिल्में देने के बावजूद नामांकनों ने इन्हें दरकिनार कर दिया है। और अब ऑस्कर पर ये आरोप लग रहे हैं कि ये मतदान की जो प्रक्रिया थी इसे दरकिनार करके यह भेदभाव किया जा रहा है महिलाओं और काले लोगों के साथ। इन फिल्मों में अभिनय करने वाले कलाकारों की भी उपेक्षा के आरोप लगे हैं। इनमें जेनिफर लोपेज से लेकर एशियाई मूल की अक्वाफिना भी शामिल है। अश्वेत कलाकारों में लुपिटा नियांगो, जेमी फॉक्स जैसी अभिनेत्रियों को भी फिल्मों में अच्छे अभिनय के लिए नामांकन न मिलने पर चर्चा का विषय बना हुआ है। जाने माने कलाकार जैसे एडी मर्फी की डोलोमाइट इज माय नेम के लिए उपेक्षा की गई लेकिन इनका भी चयन नहीं हुआ। ऑस्कर अवार्ड के लिए भारतीय अमेरिका फिल्मकार स्मृति मुद्रा की डॉक्यूमेंट्री फिल्म सेंट लुइस सुपरमैन को नामांकित किया गया है। उन्हें बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट श्रेणी के लिए नामांकन मिला है। 6 मिनट की इस फिल्म को उन्होंने समी खान के साथ बनाया है। इसे लेकर भारतीय नागरिकों ने उन्हें ढेर सारी बधाइयां दी, जिसमें हिंदी फिल्मकार अनुराग कश्यप भी शामिल हैं और उनके निर्देशन का इसमें बहुत बड़ा हाथ था। और यह हम सब हिंदुस्तानियों के लिए गर्व की बात है कि ऑस्कर की इस श्रेणी में यह फिल्म नॉमिनेट हो पाई है। तो पीपल्स, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन को सेलेक्ट ऑल कर लें ताकि लेटेस्ट न्यूज और उससे जुड़ी सारी हाइलाइट्स आपको लगातार मिलती रहें। धन्यवाद।